आज हम लोग पैदल चलने वाले हैं करीब करीब बंगाल सफारी तक, जो कि यहाँ से लगभग यहाँ पे 8 किलोमीटर दिखा रहा है, पर हम लोग ये स्ट्रेट रास्ता नहीं लेने वाले। हम लोग थोड़ा अंदर से जाएंगे तो करीब करीब 11 किलोमीटर हो जाएगा। हाँ लगभग 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर तक हो जाएगा। तो आज मेरे साथ है मेरा दोस्त रोहन, हाय, और कैमरा कर रहा हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं हम रास्ते में क्या क्या देखते हैं और कब तक बंगाल सफारी पहुँचते हैं। अभी हम लोग बस निकले हैं, अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं, अभी करीब 5:49 हो रहा है और स्टेप्स अभी तक हमने 324 ले लिया है। तो इस वीडियो के एंड तक मैं हमारे आज के फाइनल स्टेप्स हमने कितने लिए ये दिखा दूंगा। अभी 324 है। A few moments ago. दिखा कितना है। तो ये रहा हम लोग के पास अभी 1.25 लीटर का बॉटल है। रोहन पी लेगा? हाँ। चल दिखा दे पी के, देखे इस जानवर को। अरे वाह, एकदम पे पी लिया, हो गया इसका हैप्पी मॉर्निंग। अभी हम लोग बानेश्वर मोड़ पहुंच चुके हैं। टाइम करीब 5:56 हो रहा है। हम लोग ये रास्ता लेने वाले हैं। अभी ट्रक आ रहा है तो आवाज़ नहीं आ रहा होगा शायद। हम लोग ये रास्ता लेने वाले हैं, पर तभी भी अगर आप लोग यहाँ पे आते और यहाँ से ये रास्ता लेते तो यहाँ से डुअर्स निकलता है, डुअर्स की तरफ आप जा सकते हैं। गाजलडोगा जलपाईगुड़ी भी तो जा सकते हैं ना। जलपाईगुड़ी गाजलडोगा यहाँ से पहले आशीगढ़ पड़ता है, फिर आप यहाँ से फुलवारी गाजलडोगा ये सब जा सकते हैं। ये जो एक रास्ता ये हम लोग का छोटा फाफड़ी की तरफ जाता है, और यहाँ से हम लोग बड़ा फाफड़ी सालूगारा रास्ते से अभी हम लोग आए, और अभी हम लोग बड़ा फाफड़ी का लेन एंटर कर रहे हैं। तो लेन कुछ इस तरह से है, जहाँ पे हम लोग पीछे के रास्ते को लेके सालूगारा की तरफ चलेंगे। कब उठा था हम लोग वैसे? ऐसे कल 5 बजे ना, 5 बजे करीब। रात को तो नींद ही लेट से हुआ था, 2 बजे करीब तो सोया ही था शायद हम लोग। सुबह 5 बजे उठना पड़ा, इसलिए पता है मैंने वो क्या बोलते हैं अलार्म के लिए फ़ोन को दूर पे रखा था, ताकि मतलब उठना पड़े मेरे को बंद करने के लिए। नहीं तो अगर पास में होने से क्या होता है कि मतलब फट से बंद कर देता फिर से सो जाता हूँ, और ये आदत बहुत ख़राब है मेरा। पता नहीं कितना रिपीट में अलार्म लगाए जाता हूँ और फट से बंद करता हूँ सोता हूँ, बंद करता हूँ सोता हूँ। बस ये 2 दिन पहले की बात है, एक आंधी आई थी सिलीगुड़ी में, उसने ये हाल कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, और बहुत जगह गिरा है। मेरा खुद का घर पे एक हम लोग का वो सुपारी का पेड़ है, वो गिर गया था पीछे से। कितना लाइन पोस्ट सब गिर गया था। मतलब जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे ना इस जगह पे करीब 2006 में, पहले सिलीगुड़ी में रहते थे पर दूसरी जगह पे, तो वो टाइम पे क्या था कि हम लोग का घर का पूरा बाउंड्री में सुपारी का पेड़ था। तब ऐसा होता है कि सोच, एक साल तूफान आया एक गिरा, एक साल तूफान आया एक गिरा, वैसे गिरते 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 अभी शायद एक बाकी है, वो भी गिर जाए। रोहन देखता है दोस्त लोग, तेरा दोस्त लोग तो बस अभी हम लोग बड़ा फाफड़ी का जो मेन लेन है वहां पे एंटर करने वाले हैं। उस रीसेंट तूफान में ये थोड़ा बहुत इधर तो पेड़ वेड़ गिरा है। फाफड़ी के अंदर तो बहुत पेड़ गिरा होगा ना रोहन? पहुंच
ये हम लोग का खुला छंद बड़ा फाफड़ी। वीकेंड्स में पूरा हफ्ता ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद, हमारे पार्ट टाइम काम करने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं संडे करके, आते बैठते। वही है कि नेचर से करीब है तो शांति मिलता है। वो मॉल वॉल भीड़ भरा भरक्का से अच्छा तो हम लोग यहीं आते हैं, शांति से बैठते हैं। नेचर इज मोर पीसफुल। वॉइस तो आ ही रहा होगा, माइक तो यूज नहीं किया। माइक है घर पे। इस पेड़ को देखिए किस तरह एकदम रूट से उखड़ रही है। तो कुछ इस तरह है हम लोग का बर्फ फाफड़ी। ये नदी का नाम साहू है ना रोहन? हाँ साहू नदी। शिवरी मोर भी नदियाँ है, महानंदा है और एक है नालंदा। इस नदी की एक स्पेशल बात है कि चाहे सीजन जो भी हो, वैसे तो ये है ही एक सीजनल रिवर। कुछ दिन पहले इतना तूफान आया था, चाहे जितना भी बारिश है यहाँ पे कभी पानी जमता नहीं है। रेनी सीजन में भी कौन सा होता है भाई, थोड़ा बहुत होता है। आप इसे मैदान भी बुला सकते हैं, पर खैर अगर नदी नाम दिया है तो नदी ही बोलते हैं। तो अभी हम लोग ये सुंदर सा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं आगे फाफड़ी की तरफ। यहाँ से एक लंबा सा रास्ता है जो हम लोग को सालूगढ़ से कनेक्ट करता है, और उसके बाद हम लोग मेन रोड पहुँचेंगे और मेन रोड से बंगाल सफारी। Bengal safari may be closed by the time you arrive. Continue for 800 meters. वही 5.8 किलोमीटर दिखा रहा है। वैसे ही होगा लगभग। यहाँ का भी हालत फिलहाल तो बहुत खराब है। एक पोल गिरा हुआ है, तार लटक रहा है। बिजली का तार नहीं है शायद, वो केबल है। ये हफ्ते तक तो ठीक हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट होता तो शायद जल्द से जल्द कर लेता, पर अब पता नहीं। हम देख सकते हैं रास्ता का बीच में गिरा हुआ है। अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन हुआ है ये तूफान में। ये पेड़ भी एकदम पूरा ही जड़ से उखड़ गया है। ओए संभाल के। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से एकदम रूट के साथ ही उखड़ गया है। अरे रोहन, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? रोहन, ओ तू वहाँ पे है, मेरे को लगा ये तू है। हम वो देख कितना अंदर तक होगा। रूट्स का साइज देखना भाई, कितना बराबर है। सोच कितना फोर्स चाहिए सबको गिराने के लिए। पर नेचर के लिए किया है। चल। बस अभी कुछ ही देर पहले हम लोगों ने 5 मिनट का ब्रेक लिया था। घर से वही खाने के लिए बनाना लेके आया था और पानी। वैसे सुबह हम लोग खाली पेट नहीं निकले, खाली पेट निकलना भी सेफ नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग 8 से 10 किलोमीटर भी चल रहे हैं तो बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो हम लोगों ने थोड़ा सा वे पिया था, एक एक स्कूप और दो बनाना। एक स्कूप में कितना, 35 ग्राम था ये? 30 ग्राम। 30 ग्राम जैसा वे और दो बनाना और कुछ आलमंड्स। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जा रहा है, प्रिजर्वेशन कैंप टाइप का है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारा सीड्स को इम्प्लांट किया है,
और फ्यूचर में हम यहाँ पे पेड़ देख पाएंगे, वो एक दो साल में नहीं होगा, 10-15 साल बाद शायद। इस पेड़ को तो देख के लग रहा है कि रोड पे गिरा था, फिर इसे मशीन से काटा गया है बीच से। ये भी सेम उसी तरह जड़ से उखड़ रहा है और फिर मशीन से यहाँ पे एक हिस्सा, दो हिस्सा और शायद ये तीसरा हिस्सा है, रोड के बीच में गिरा होगा। देख के तो ऐसे लग रहा है। बस अभी हम लोग BSF रोड पहुंचने वाले हैं और वहाँ पे अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, ये नहीं दिखाई दे रहा शायद, वो रहा दूर पे, रुके, यहाँ पे शायद एक छोटा सा फुटबॉल मैच चल रहा है सुबह सुबह, हम लोग उन्हें एक्सरसाइज करते हुए देख सकते हैं। ये वही रिवर है जो फाफड़ी में मैंने आप लोग को दिखाया था, वही सीजनल रिवर, प्यार से मैदान, खुला मैदान। ये सामने जो आप ये ब्लू बिल्डिंग देख पा रहे हैं, कलर से आप लोगों ने अंदाज़ा लगा दिया होगा कि ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है। ये फायर ब्रिगेड है एक्चुअली सालुगारा का, पहले अगर मैं गलत नहीं हूँ एक ही फायर ब्रिगेड था ना खालपाड़ा में। खालपाड़ा में हाँ, तो खालपाड़ा में एक ही फायर ब्रिगेड था, तो फिर यहाँ पे खुला कुछ सालों पहले। अच्छा है, सेफ है, ताकि जल्द से जल्द इमरजेंसी का टाइम में, रेस्क्यू का टाइम में पहुंच सके। सालूवाला के चौक में हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ से इस तरफ चेक पोस्ट की तरफ जाता है और इस तरफ से हम लोग पहुंचेंगे बंगाल सफारी। यहाँ पे एग्जैक्ट किलोमीटर्स लिखा हुआ है सेवक तक का, यहाँ से 15 किलोमीटर है सेवक और गुवाहाटी 530 किलोमीटर। आन के वक्त में पेड़ गिरना तो ठीक है, ये कैसे हो गया? अब ये मेरे लिए एक मिस्ट्री है, एक लोहा का पोल इस तरह बेंड कैसे हो गया? भाई ऑलमोस्ट 2 घंटा पार हो गया है, ज़्यादा हो गया 2 घंटा से। टोटल स्टेप कितना हुआ? स्टेप्स देखता हूँ वहाँ पे जाके पहुँचने, देख लिया। सो वी आर फाइनली हियर बंगाल सफारी। अभी तो शायद बंद होगा, पर आप लोग अगर एक बार पैंडेमिक खत्म होने के बाद आते हैं, आप लोग को यहाँ पे राइनो देखने को मिलेगा और वेरी ओन द रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा। तो ये है हमारा मेन एंट्री गेट बंगाल सफारी का, एग्जिट उस तरफ से है। अभी तो शायद बंद चल रहा है, वह अभी तो बंद है ना, और अभी खुला है क्या? आ सकता है ऐसे? ओ मतलब लॉकडाउन में बंद हुआ था, फिर पहले हुआ था, अभी खुला है? अभी खुला है। तो मैं यहाँ पे गलत था, अभी वैसे खुला है, अगर आप लोग चाहे तो आ सकते हैं। मेरे को लगा अभी वायरस बढ़ रहा है तो बंद कर दिया होगा, पर खुला है। 8:13 हो रहा है और अभी अगर हम लोग स्टेप्स देखते हैं तो 14,000 53 बोलते हैं ना, हाँ, तो 14,000 53 स्टेप्स हम लोग ले चुके हैं लगभग, पूरे कर लिए हैं।